हेलो फ्रेंड्स, द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पैनल है, इस पैनल को मैं ले लिया है मैंने, क्योंकि बोर्ड पर भी मतलब पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि मैं उस पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से काम कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने इसको लिया है, इसे लेना पड़ा मुझे। साथ ही साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी बहुत सारा काम मैं कर सकता था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लॉस हो जाता है, टाइम चला जाता है, कंटेंट बनाने में भी टाइम लगता है, आपको पता है कितनी मेहनत का काम है, और ये सारे काम मैं खुद ही करता हूँ, अकेले करता हूँ। जॉब के साथ साथ में मैं दूसरे काम भी करता हूँ, और साथ में फैमिली भी चलाना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हर किसी को पता है, हर किसी का अपना अपना अलग अलग रोल है लाइफ में, तो खैर वो अलग चीज़ें हैं। ये पैनल मैंने लिया है, और साथ में इस पैनल पर मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं कुछ काम करूँगा, बट मैं कर नहीं पा रहा था, और उसी दौरान पीछे जब जनवरी मंथ आया, तो जनवरी और फरवरी इन दोनों मंथ में मेरा बैक टू बैक आपने देखा होगा कि वीडियोज मैंने अपलोड किए हुए थे कंटेंट, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने, मेरी यही कोशिश थी कि मैं इस पर अच्छे से अच्छे कंटेंट करूं, ताकि नेक्स्ट जो अभी जो एग्ज़ाम बीता है, इस एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, लाभ हो, और वो लाभ हुआ भी है, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं देख करके, और उसके बेसिस पर जो इस साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बेसिस पर। तो इस वीडियो में बनाने का मेरा ये मकसद ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन इसी साल के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो वही क्वेश्चन है, मेमोरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बैक टू बैक जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया है मैंने। एक्चुअली में मेरे पास जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में है, उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन मेरे पास नहीं है, ये सभी क्वेश्चन मेमोरी के ऊपर बेस्ड हैं। और ये क्वेश्चन मुझे यूट्यूब पर एक मैंने पोस्ट किया था, उस पोस्ट पर ही एक कमेंट आया था, जो कि मेरे एक व्यूअर, जो मेरे स्टूडेंट भी कह सकते हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डाला था, तो उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट करते हैं, सेंसस के ऊपर क्वेश्चन है। सेंसस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम, ये वर्ड सेंसस जो है वो सेंसियर वर्ड से आया है, सेंसियर वर्ड ये है, सेंसियर इस वर्ड से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, टू एक्सेस और टू एस्टिमेट, जो भी पॉपुलेशन काउंट है उन काउंट का एस्टिमेट, मतलब वो एस्टिमेट प्रोवाइड करता है, और इसी वजह से इसको नाम दिया गया सेंसस, और ये वर्ड लैटिन वर्ड से आया है। जो सेंसस है, सेंसस क्या है, कलेक्टिंग कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, ये एक प्रोसेस है रिलेटेड टू पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन एरिया, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का जो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक का एनालिसिस है सेंसस प्रोवाइड करता है, प्रत्येक इंडिविजुअल के काउंट का। तो ये आपका सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये शायद मैं अपने वीडियो में इसको तो मैं नहीं किया है, ये लैटिन वर्ड ये अलग से आ गया है, लैटिन वर्ड से ये यूज हुआ है, बट सेंसस का ये क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर है कोप 27 हेल्ड इन, कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, समझ में ही आता है कि पार्टीज का कॉन्फ्रेंस, तो ये और 27 का मतलब क्या है, 27th नंबर का, और करेंटली ये 2022 में, नवंबर 2022 में हुआ था, शर्म अल शेख ये जगह का नाम है, जो कि इजिप्ट में है, इजिप्ट में यहां पर लिखा है कोप 27 वाज हेल्ड इन शर्म अल शेख इन इजिप्ट फ्रॉम 6 to 20, आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, नवंबर 2022 में ये हुआ था। ये क्या है, इट इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये कोप का मतलब है, टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ये है, इसको याद रखना जरूरी है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC का नाम है, और इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली अगर इसका मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं, 92 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था, और उसी समय ये अस्तित्व में आ चुका था लगभग, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था 1994 में, और उसके बाद ये अलग अलग देशों में ये सम्मेलन होता रहा है, और अभी जो हुआ है वो 27 था, ये इजिप्ट में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्स इंडेक्स, कोल्स इंडेक्स
फर्टिलिटी से रिलेटेड है। कोल ने फर्टिलिटी पर बेस्ड इंडेक्स दिया था और इन्होंने बताया था कि पूरे ओवरऑल फर्टिलिटी को तीन भाग में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? आईजी, आईएम एंड आईएच। पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। कोल्स फर्टिलिटी इंडिसेस अलाउ द सेपरेशन ऑफ ओवरऑल फर्टिलिटी इंटू थ्री कॉम्पोनेंट्स। ये कॉम्पोनेंट है या इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। और ये जो IF है ये ओवरऑल फर्टिलिटी है। इट इज द ओवरऑल फर्टिलिटी इंडेक्स। देन इट कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्मेट IG इनटू IM प्लस इन ब्रैकेट 1 माइनस IM इनटू IH। और इन तीनों का अलग अलग मीनिंग भी एग्जामिनेशन में पूछता है। आप पीछे के जब पेपर देखेंगे क्या पता इसमें भी क्वेश्चन आया हो। ये तो मेमोरी बेस्ड है, इस पे ऑप्शन जो दिया होगा कुछ इस तरीके का भी ऑप्शन दिया हो सकता है। बट मेरे पास जो क्वेश्चन है ओनली सिर्फ ये लाइन है, तो इस लाइन पर बेस मैंने यहां पर कंटेंट अरेंज किया है। IG इज द इंडेक्स ऑफ मार्टल फर्टिलिटी, IH जो ये है, IH इज द इंडेक्स ऑफ नॉन मार्टल फर्टिलिटी एंड IM प्रोपोर्शन मैरिज। तो ये एक बेसिक फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस पर बेस एक इंडेक्स और आया है, विपल्स इंडेक्स। इट इज रिलेटेड टू मिस रिपोर्टिंग, एज मिस रिपोर्टिंग के लिए विपल्स इंडेक्स का यूज करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो कि दिस इज मेजर इज विपल्स इंडेक्स इज यूज टू मेजर द एज मिस रिपोर्टिंग इन द इंटरवल 23 टू 62 ईयर्स। इसके लिए फॉर्मूला है विपल्स इंडेक्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ एज 25 अप टू पॉपुलेशन ऑफ एज 60 डिवाइडेड बाय दिस। इस फॉर्मूले का यूज क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो पॉपुलेशन में जब हम सर्वे करने के लिए जब हम जाते हैं, जो रिस्पोंडेंट से हमें रिस्पांस मिलता है एज के रिगार्डिंग, सपोज कि उस रिस्पोंडेंट का एज 24 ईयर्स है, सपोज वो राउंड फिगर में उसको 25 बता देता है, तो एक साल का डिस्टेंस हुआ। इसी तरह से अगर किसी रिस्पोंडेंट का अगर एज 38 है तो वो लमसम 40 ही बता देता है, तो वहां पर भी दो साल का डिफरेंस हुआ, या 42 है तो 40 ही बता देता है। तो इस मिस रिपोर्टिंग को मैनेज करने के लिए या इस मिस रिपोर्टिंग पर ओवरकम, उस पर काबू पाने के लिए इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया जो कि विपल था, विपल उनका नाम था, इसलिए इस इंडेक्स का नाम विपल्स इंडेक्स कहा गया। आपने अपने एमएससी के दौरान भी डेमोग्राफी में इसको पढ़ा होगा डिटेल में। इसका फॉर्मूला यह होता है और नीचे में ये इसी वजह से इसको कहते हैं। और इसका जो रेंज होता है 0 से 500 के बीच में होता है, जहां पर 0 है अगर रिस्पोंडेंट ने कोई रिस्पांस नहीं किया तो उस केस में डब्ल्यू आई की वैल्यू 0 हो जाती है, और ये है इफ एज आर नॉट रिपोर्टेड। दूसरा 100 कब आएगा? जब इफ रिपोर्टेड एजेस आर नॉट हिपिंग, कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, उस केस में जो डब्ल्यू आई की वैल्यू है वो 100 होगा। और 500 कब होगा? जब एज रिपोर्टिंग इज हिपिंग। तो ये इसका रेंज है। और डब्ल्यू आई जो विपल्स इंडेक्स है वो एज मिस रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यहां से हर साल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरह से कह सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ गया है यह क्वेश्चन, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के साथ साथ स्टेशनरी पॉपुलेशन को भी इससे कनेक्ट कर दिया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्चुअली इसको समझा होगा, तो आपसे ये क्वेश्चन छूटा नहीं होगा। हालांकि अगर आपने तुक्का भी किया होगा तो समझ करके क्या पता देखिए आगे क्या होने वाला है। विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज रिलेटेड विथ स्टेशनरी पॉपुलेशन? स्टेशनरी पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये कनेक्ट किससे किया है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से। स्टेशनरी पॉपुलेशन का मतलब इस क्वेश्चन में समझना जरूरी है, तभी इसमें आप समझ पाएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसका आंसर होगा। बेसिकली स्टेशनरी पॉपुलेशन में क्या होगा, अगर ग्रोथ रेट इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए और बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये दोनों इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? पॉपुलेशन स्टेशनरी होगा। तो जाहिर सी बात है कि ग्रोथ रेट 0 कब होगा? जब दोनों इक्वल होगा, बैलेंस में हो जाएगा। तो स्टेशनरी पॉपुलेशन होने के लिए क्या चाहिए? ग्रोथ रेट इज 0
अब जो जीरो कब होगा, बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इक्वल, तो ये स्टेशनरी पॉपुलेशन होगा। एस्टिमेटेड फॉर्म में अगर हम इसकी बात करें तो एस्टिमेटेड फॉर्म में क्या होगा, कि लो बर्थ रेट होना चाहिए, लो डेथ रेट होना चाहिए, और कंपैरेटिवली जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी लो होना चाहिए। तो तीनों अगर लो होगा तो उस केस में स्टेशनरी पॉपुलेशन हमें एस्टिमेटेड मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, एग्जैक्ट हमें यहां पे होगा बट एस्टिमेटेड होगा, और जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो एस्टिमेटेड वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको, और इसी से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो फॉर्म मिलेगा आपको स्टेज 4 में मिलता है, एंड दिस फॉर्म ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज रिलेटेड विद ए स्टेशनरी पॉपुलेशन। तो यहां तक आप थोड़ा थोड़ा आपने समझ लिया होगा, अभी मैं इस फिगर को डिस्कस करूंगा तो फिर से आप और भी अच्छे तरह समझ जाएंगे। यह है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसमें स्टेज 1, 2, 3, 4 फोर स्टेजेस होते हैं। इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी को नोटेस्टिन ने 1945 में दिया था। कब था? 1945 में। ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को, या इसमें हम कह सकते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ ये होगा, और एक्स एक्सिस पर टाइम होगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंस हम पहले इसमें ये प्लॉट कर लेंगे। इसके बाद इसको चार भाग में डिवाइड किया जाता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। ये जो लाइन है ऊपर से, ये लाइन बर्थ की लाइन है, और ये जो जिगजैग से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद यहां से ये डेथ का, डेथ रेट का ये ग्राफ है। लास्ट में आप देख रहे हैं कि जो लाइन यहां से शुरू हुआ है ऐसे, वो यहां पर जाके जिगजैग हो गया है और यहां पर जाके स्टेबल प्लेन हो गया है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। स्टेज वन में ये जो बर्थ रेट है हाई होगा और डेथ रेट भी हाई होगा, दोनों रेट हाई होगा। स्टेज टू में बर्थ रेट हाई है, मतलब थोड़ा सा लो हो रहा है बट इसको हाई ही कहेंगे क्योंकि ये हाई है, और डेथ रेट डिक्लाइन कर रहा है, ये कहलाएगा सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज, डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ बर्थ रेट एंड लो लेवल ऑफ डेथ रेट, और जब यहां पर ये लमसम मिल गया तो ये लो लेवल ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब यहां पर दोनों लो हो गया। तो ये जो कंडीशन है दोनों लो है, और दोनों लो के कंडीशन में क्या होगा, ग्रोथ रेट जीरो होगा या ग्रोथ रेट लो लेवल का मिलेगा। तो इस केस में हमें स्टेज 4 में क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉपुलेशन। यहां पर एक पॉइंट और देख रहे हैं आप, नेचुरल इंक्रीज, तो नेचुरल इंक्रीज इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ, तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू नेचुरल इंक्रीज, और इन दोनों का जो डिफरेंस अगर जीरो हो जाएगा तो इंक्रीज का मतलब क्या, बढ़ोतरी, नेचुरल इंक्रीज। अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, नेचुरल इंक्रीज क्या हो जाएगा, जीरो, दैट मींस कि ग्रोथ रेट जीरो। तो ये एक बेसिक आइडिया है और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से ही रिलेटेड है, ऑर्डर ऑफ स्टेज इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये मैंने यहां पर इसको समझा ही दिया है, आप यहां से समझ सकते हैं, यहां पर फिलहाल मैंने इस स्टेज को मैंने यहां पर लिख दिया है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी प्रिंसिपल इज गिवन बाय माइकल सेडलर, माइकल थॉमस सेडलर ने इस प्रिंसिपल को दिया था, डेंसिटी प्रिंसिपल। इसमें एक प्रिंसिपल और आता है, डाइट प्रिंसिपल, डाइट प्रिंसिपल, इसको थॉमस डबल डे ने दिया था, उनका नाम था डबल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सोशल कपलैरिटी थ्योरी, आर्सेन ड्यूमोंट ने इसको दिया था। तो ये थ्योरी से रिलेटेड भी टॉपिक आता है, और आपको ज्यादा भी लगभग थ्योरी में आपको कम से कम 40-50 थ्योरी ऐसे याद होने चाहिए कि कौन सी थ्योरी किन्होंने दिया था। तो ये इनका बेसिक नाम है, आर्सेन ड्यूमोंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस से रिलेटेड, सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा, हरियाणा का सेक्स रेशियो पूरे ओवरऑल सबसे कम था, 879 फीमेल पर 1000 मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, ये 10th नंबर है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि लगभग 50-60 क्वेश्चंस मेरे पास है कलेक्शन, और अगर मैं पूरे को इकट्ठा एक बार में बनाना शुरू करूं तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और मैं मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज करना भी इसको मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको पार्ट वाइज
मैंने इसको किया है और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 से 11 के बीच, तो जनरली ये क्वेश्चन क्या है, डिकेडल ग्रोथ रेट। तो डिकेडल ग्रोथ रेट 2011 में क्या था, 17.7%। यहां पर ये लिखा हुआ है, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इस टेबल को भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर मैंने किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इस टेबल को मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है और यहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप सोचिए कि अगर आपने इसको अच्छे से एनालाइज किया है तो आपके लगभग यहां से 8-10 पॉइंट बनते हैं और 8-10 पॉइंट में से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन 100% आएगा ही। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में अगर इस एक टेबल से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये टैकल करने का एक तरीका है। ये टेबल है, इस टेबल में स्टार्टिंग में 1901 में 6:972 था सबसे मैक्सिमम, इसके बाद में घटता रहा और पहली बार ये बढ़ा 946 हुआ 1951 में, और इसके बाद ये झिकझैक में घटता बढ़ता रहा और अभी करेंट टाइम में 2011 का डेटा ही हम अभी कंसीडर कर रहे हैं, 943 है। आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा गया है लास्ट वाला, 2011 में डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है 2001 से 11 के बीच में, तो ये है। इसमें एक पॉइंट और आता है, 21, ये 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर ऑफ द सेंसस ये कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ सेंसस। सेंसस के इतिहास में ये 21 को ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है बढ़ने के बजाय घट गई थी, माइनस हो गया था, -0.31%। ये पॉइंट भी पूछा जाता है और जिस जिसको मैंने बोल्ड किया है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। या आपको पीछे के जो भी मैंने वीडियोस किए हैं, जो भी मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया है उसमें मैंने इसको समझाया है, आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट कहां से पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, ये कि आपको ये टेबल याद हो जाए। टेबल एक्चुअली में याद नहीं होगा लेकिन एक एक पॉइंट तो याद होगा ना, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं और डेफिनेटली आपने इस एग्जामिनेशन में भी टैकल किया होगा। तो ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें मैंने जो 10 क्वेश्चन शुरुआत के जो 50-60 क्वेश्चन मेरे पास थे उसमें से 10 क्वेश्चन को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। आगे मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन और लेके करूं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट फीडबैक दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है और साथ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है जो आपको याद हो और लगे कि मैं यहां पर एक्सप्लेन करूं, उसको सर्च करके उसको मैं एक्सप्लेनेशन करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को यहां पर लिख करके दे सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको मैं एक्सप्लेन करूं। वीडियो अच्छा तो लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल जरूर से जरूर शेयर करिए। बहुत ही मेहनत के साथ मैं बनाता हूं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट में लेकर आता हूं, आपको डेफिनेटली इससे आपको फायदा होता है, ये मुझे इंटरनली पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।